ह्यूमन बींग्स की आदत होती है कि अपना ध्यान सिर्फ चेहरे तक सीमित रहता है, चेहरे पर ही आकर्षित होता है। उससे नीचे का हिस्सा होता है गर्दन, जो जिस पर हमारा स्पेशली ध्यान नहीं जाता है। और धीरे धीरे ध्यान नहीं जाने के कारण या केयर नहीं करने के कारण गर्दन पे कालापन आ जाता है। गर्दन पे कालेपन के साथ साथ में उसमें एक ऐसी लाइनिंग बन जाती है जो मैल टाइप से हो जाती है, हम अपनी सामान्य भाषा में बोलते हैं, पसीने और पॉल्यूशन की वजह से एक लाइनिंग बनने लग जाती है। और धीरे धीरे केयर नहीं करने की वजह से उसमें रिंकल्स भी आने लग जाते हैं। तो अपने को फेस के साथ साथ में आपको गले का भी या गर्दन का भी ध्यान रखना है, नेक का भी, क्योंकि ये चीज़ें, ये जो पार्ट होता है वो महिलाओं के लिए तो खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें ज्वेलरी पहनते हैं, वो गहने पहनते हैं, और जो बॉडी का पार्ट सबसे ज़्यादा सुंदर होगा उस पर वो चीज़ पहनी हुई वो बहुत सुंदर लगेगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो सेशन है वो अपना महिलाओं के लिए है, सभी के लिए है, क्योंकि जेंट्स लोग जो होते हैं, पुरुष लोग, वो ज़्यादातर केयरलेस के कारण अपनी बॉडी पार्ट्स का ध्यान नहीं देते हैं, बिजी और केयरलेस के कारण। और महिलाएं हैं वो फैमिली में या बच्चों में बिजी रहती हैं तो वो ध्यान नहीं दे पाती हैं, मैंने खासकर, जिसके कारण धीरे धीरे अपने चेहरे और गर्दन का कलर होता हुआ दो कलर हो जाता है और एक अलग ही दिखता है। तो इसके सबसे पहले तो हम कारण जानेंगे कि क्या कारण होते हैं। कुछ ही अलग भी कारण, कुछ अपन ध्यान नहीं देते हैं, ये भी एक कारण होता है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरोज चौधरी, मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन अपना गर्दन की रिंकल्स और कालेपन को दूर करने से संबंधित है। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कारण ये है कि ये होता क्यों है। होता इसलिए है कि एक तो अपना पॉल्यूशन होता है, धूप में ज़्यादा रहते हैं हम, जिसकी वजह से पसीना और पॉल्यूशन दोनों चीज़ें होती हैं वो जम जाती है यहाँ पे। जमने के बाद में पहले तो एक परत टाइप से होता है, फिर धीरे धीरे लाइनिंग बन जाती है उसकी, जिसको सामान्य भाषा में अपन मेल का नाम देते हैं। दूसरा ये होता है कि जैसे हमने कोई चीनी युक्त पदार्थ या खाद्य पदार्थ खाते हैं, चीनी, तो चीनी का ये, चीनी आजकल जो आती है वो रिफंडेबल आती है, यानी कि बिल्कुल वाइट आती है, केमिकल युक्त आती है, जिसकी वजह से ज़्यादा मीठा खाने की वजह से ही भी जो स्किन में रंग द्रव्य होता है उसमें वृद्धि होती है और पिगमेंटेशन टाइप से हर जगह हो जाते हैं, जिसमें गर्दन का कालापन भी हो जाता है। और ये स्पेशली महिलाओं में ज़्यादातर आफ्टर डिलीवरी आता है, और बाकी सामान्यतया हम सभी में, ह्यूमन बींग्स में, ये 25 वर्ष के बाद में ये चाटली चीज़ें चालू हो जाती हैं। करेंगे कि गर्दन की अच्छे से साफ़ सफाई रखना जरूरी, साबुन का प्रयोग कम करें। जैसे अपन चेहरे पे साबुन का प्रयोग नहीं करते हैं, वैसे आपको गर्दन पे भी साबुन का प्रयोग नहीं करना है। और फैट को कम से कम आने दें। गर्दन पे फैट है तो उसमें आपकी झुर्रियाँ भी हो जाएंगी, लाइनिंग सी और कट सा हो जाएगा एक अलग ही, और मेल टाइप से जम जाएगा। जहाँ फैट होता है वहाँ पसीना ज़्यादा आता है, और जहाँ पसीना होता है वहाँ पॉल्यूशन और कालापन भी ज़्यादा होता है। इस वजह से आपको फैट का, गर्दन का फैट होता है पीछे हम्प होता है, उसको रिड्यूस करके रखना है, एकदम से रिमूव करके रखना है। अपनी साफ सफाई में आपको ये करना है कि आपको साबुन का प्रयोग कम करना। साबुन जो होती है उसमें एक ऐसा केमिकल होता है जो आपके पॉल्यूशन और पसीना होता है उसको इस तरीके से हार्डनेस ला करके साबुन से नहाने के बाद में वो चिपक जाता है। साबुन से कभी भी गंदगी दूर नहीं होती है, नहाने के साबुन से बॉडी पे वो चिपक जाता है और धीरे धीरे वो एक मैल का रूप ले लेता है, एक परत के रूप में जम जाता है। तो इससे अच्छा है कि आपको स्किन को थोड़ी नहाते हैं तो सबसे पहले आप गर्दन को थोड़ा सा भिगो लें और नीम के पानी का यूज करें। नीम के पानी से पॉल्यूशन या किसी प्रकार की हमें पीछे की तरफ में कुछ एलर्जी या दाद वगैरह भी हो जाते थे तो वो भी दूर होते हैं। नीम का पानी बहुत अच्छा होता है बॉयल किया हुआ, तो उससे आप अपना चेहरा भी धोते हैं ठंडा होने के बाद में, या नहाते भी हैं तो बहुत अच्छा रहता है, बॉडी की स्मेल दूर होती है। तो इसलिए आपको नीम के पानी का इस्तेमाल करना है। एलोवेरा और नींबू होता है, उसका भी आप गर्दन को क्लीन करने के लिए काम में ले सकते हैं। और ड्राई स्किन है तो अच्छे से आपको ऑयल की मसाज करनी है, रात को सोने से पहले कोकोनट ऑयल की मसाज करके सोनी है। और एक एक्सरसाइज होती है नेक की, हम भले ही योगा प्राणायाम सब कुछ करते हैं लेकिन अगर हमारे किसी पार्ट पे प्रॉब्लम है, यानी कि फैट है
उसको हमें रिड्यूस करना है तो उसको हमें जो हमारा टाइमिंग है उसके अलावा भी हमें 10-15 मिनट देने पड़ते हैं, क्योंकि स्पेशल जहाँ प्रॉब्लम होती है उसको स्पेशल टाइम देना पड़ता है। तो ये तो थे हमारे रीजन और गर्दन को क्लीन करने के कारण, और फैट को नहीं रहने देना, फैट को आपको रिड्यूस करके रखना है, गर्दन के फैट को। कुछ मैं एक्सरसाइज बताऊंगी आपको रिंकल्स दूर करने के लिए और गर्दन में एक सुंदरता लाने के लिए। जो गर्दन की एक्सरसाइज नॉर्मल है वो आपको करना, फिर उसके बाद में आपको कुछ मसाज बताऊंगी जिससे रिंकल्स भी दूर होती हैं। और जो फेस मास्क आप चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें कि नेचुरल ही करें। पपीता, बनाना, इन सब का पेस्ट बना करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी का सीजन है तो आप मलाई और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लीन करने के लिए आप चाहे तो आटा होता है जिससे अपन खाना बनाते हैं, उसमें भी आप नींबू और शहद, मलाई ये डाल करके आप अच्छे से लेप करके फिर सूखे आटे से उतार सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है, इससे आपकी डेड स्किन उठती है, कालापन जाता है। क्योंकि नींबू का इस्तेमाल थोड़ा बहुत करना, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। मलाई इसलिए कि आपको स्किन को ड्राई नहीं करे और चिकना पर आसानी से उस आटे को उतार दे, और शहद इसलिए कि नमी बनाए रखता है। तो तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इससे फेस भी क्लीन कर सकते हैं। वीक में एक बार करें, फेस पे तो आपको कम इस्तेमाल करना है, यानी कि 15 दिन में आप एक बार कर लेते हैं तो डेड स्किन निकल जाती है इससे। ये चीज़ें आपको क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करनी है। फिर जो एक्सरसाइज बता रही हूँ वो नॉर्मल है, आपको राउंड में लेना है पहले तो, फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों लेना है। लेकिन गर्दन को क्या होता है कि अपन एक्सरसाइज करते तो यूँ ऊपर ऊपर घुमाते, इससे क्या होता है गर्दन की स्ट्रेचिंग नहीं होती है चारों तरफ से। स्ट्रेचिंग नहीं होने की वजह से अपना फैट कम नहीं होता और रिंकल्स भी नहीं जाते। तो आपको पूरा आराम आराम से धीरे धीरे से आपको नेक को चारों तरफ एकदम से टच करते हुए घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैं सिर्फ एक्सरसाइज बता रही हूँ, रेपिटेशन यानी कि आपको ज़्यादा टाइम करना, मैं 5-5 बताऊँगी आपको 10 टाइम 15 टाइम करना है। यदि किसी तरह की आपको गर्दन में कोई नस में प्रॉब्लम है या अन्य कोई प्रॉब्लम है तो आप इस एक्सरसाइज को ना करें, और करें तो अपने स्वयं की जिम्मेदारी के साथ करें। इस तरीके से पूरा आपको गोल गोल घुमाना है और टच करते हुए। दो, तीन, चार, पांच, दूसरी साइड में घुमाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब आपको बीच में सेंटर में रखना नेक को, और फिर आगे की तरफ लाना है सेंटर से, इसे पीछे की साइड नहीं लेके जाना, सेंटर में रखें। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब आपको सेंटर में रख के पीछे की तरफ लेके जाना है सेंटर से सिर्फ। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब सेंटर से आपको लेफ्ट एंड राइट लेना, पांच पांच बार सेंटर में रखें। दो, तीन,
खुद महसूस करेंगे, जो अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं, पीछे किया तो आगे की तरफ स्ट्रेचिंग हो रहा, आगे किया तो पीछे की तरफ, साइड में किया तो इस साइड में स्ट्रेचिंग हो रहा, इससे आपका फैट भी कम होगा और जो रिंकल्स होती हैं वो भी कम होगी। दूसरी साइड करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, ये हो गए। अब इस तरीके से आपको गर्दन को पकड़ना है, कंधे से दूसरे हाथ को पकड़ना है और ऐसे टेढ़ा करना है, एक फिर वापस सेंटर में लाना है, दो तीन चार पाँच, दूसरी साइड से करें ऐसे, एक दो तीन चार पाँच। जो सामने है यहाँ पे लाइनिंग बन जाती है रिंकल्स की ऐसे एकदम से ही, तो इसको आपको इस तरीके से करना है कि ये यहाँ से खींचे, ये स्किन जो होती है। तो इसमें मैंने आपको फिक्स एक फेस से रिलेटेड एक्सरसाइज डाली थी, उसमें दो एक्सरसाइज बताई थी ऐसी, एक तो आपको ओपन में करके इस तरीके से करना है एक फ्लाइंग किस की तरह, जिससे ये स्ट्रेच होगा, इस तरीके से करें, आप खुद महसूस करेंगे कि यहाँ से आपकी स्किन ऐसे हिल रही है। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो ऐसे ही मुंह ऊपर करके आपको जीभ को यूं निकालना है, फिर वापस अंदर मुंह को ऊपर करके, ताकि यहाँ वाली पूरी स्किन है वो उसमें खिंचाओ नसों में। तीसरी एक्सरसाइज हो रहा है यहाँ साइड से खिंचाव करने के लिए, आपको मुंह को साइड में करना ही है और इस तरीके से ये जो जीभ बाहर निकाली थी, अपनी जीभ बाहर निकाली थी अंदर डाली थी, ये साइड में भी करना है ताकि साइड की नसें होती हैं, साइड की स्किन होती है वो भी खिंचाव आए उसमें भी। ऐसे इस साइड में करेंगे, ऊपर करें थोड़ा सा, ये अपनी एक्सरसाइज है। इसके अलावा कुछ मसाज हैं जो आपको स्पून से करनी है, यानी कि इससे स्पून से कोकोनट ऑयल लगाएं, मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें ताकि स्किन में मसाज करने में भी आसानी रहे और जो ऑयल लगाते हैं वो अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। लेकिन ध्यान रहे कि इससे पहले आपको गर्दन को अच्छे से क्लीन करना है, और अगर रिंकल्स है तो आप उसमें बर्फ़ की मसाज भी कर सकते हैं, कि यहाँ पे जैसे अपनी रिंकल्स होती हैं तो सबसे पहले स्पून को लें, स्पून से करने में आसानी रहती है और स्किन होती है वो अच्छे से दबती है, इस तरीके से।
फिर थोड़ा सा ऊपर लाएं। ध्यान रहे कहीं चुभ ना जाए, आपको बहुत केयरफुली करनी है। एक स्पून को यहाँ लगाएं, दूसरी को इस तरीके से करना है। ऐसे ही दूसरी साइड से करना है। मैं आपको सिर्फ टेक्निक बता रही हूँ, कम टाइम में आप इसको थोड़ा सा मसाज को टाइम दें। जैसे अपन ने आगे एक्सरसाइज की थी उसी तरीके से पीछे से एक्सरसाइज करनी है। इस तरीके से लाएं, सेंटर में लेके आ गए। ये था अपना नेक से संबंधित या गर्दन से संबंधित एक्सरसाइज, और कुछ कालापन दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और इस तरह की आपकी कोई समस्याएं हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उस पर कोई उस टॉपिक पे इस सेशन पे कोई ऐसा सेशन बना सकूँ, ऐसा वीडियो अपलोड कर सकूँ। इसमें फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।